अक्सर बच्चों को सीबीएसई और आईसीएसई की कोचिंग के लिए मुंब्रा के बाहर जाना पड़ता है, पर अब मुंब्रा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। मुंब्रा में नासिर सर की क्वांटम एकेडमी पिछले 8 सालों से सीबीएसई और आईसीएसई की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं विद एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। तो अगर आप चाहते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज, ऑन टाइम कंप्लीशन ऑफ सिलेबस और सारे सब्जेक्ट की कोचिंग, तो दिए हुए नंबर पर आज ही कॉन्टेक्ट करें। एडमिशन आर ओपन फॉर 7th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड। मुंब्रा बाजार की कई इमारतों में पिछले कई दिनों से हो रही है दूषित पानी की आपूर्ति। थाने मनपा और पानी आपूर्ति विभाग नहीं कर रहा है कोई कार्यवाही। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। लगभग 10 दिनों से मुंब्रा बाजार में मूसा कासम बिल्डिंग से लेकर रेलवे पटरी तक, वसीम अपार्टमेंट करके एक और इमारत है वहां तक की ऐसी कई इमारतें हैं जहां पर पानी की लाइन कोई लीकेज होने से गंदा पानी आ रहा है और गंदे पानी की, दूषित पानी की आपूर्ति यहां के तमाम इमारत के निवासियों को हो रही है, जिसके चलते यहां पर लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पूरी समस्या को लेकर क्या कहा यहाँ के स्थानीय लोगों ने, इमारत निवासियों ने, स्थानीय समाज सेवकों ने? वहीं आपको बता दें कि इस संबंध में प्रभाग 26 की पूर्व नगर सेविका दीपाली भगत और उनके पति समाज सेवी मोती राम भगत, इनसे 29 अप्रैल को ही स्थानीय लोगों ने संपर्क किया तो वो भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने भी क्या बात बताई वो भी हम आपको बता रहे हैं। वहीं थाने मनपा प्रशासन, मुंब्रा प्रभाग का पानी आपूर्ति विभाग कितनी लचरता से काम कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, यहाँ पर कहां से ये गंदा पानी आपूर्ति लाइन में, सप्लाई लाइन में मिल रहा है, इसको अभी तक खोजने में पानी आपूर्ति विभाग विफल रहा है। खाला क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीना है। खाला यहाँ पे आपको कुछ पानी की समस्या हुई है, बताया जा रहा है कि गंदा पानी आ रहा है, तो क्या पूरा मामला है और ये कहाँ पर हुआ है? हम लोग का मुंब्रा मार्केट में पूरी नाके से लेके पूरा है ना पटरी तक के हम लोग को चांद रात से तकलीफ है। टॉयलेट का पानी आ रहा है, हर घर में सब इतने बीमार पड़े ले के दवा ले लेके थक गए। म्युनिसिपैलिटी में जाते कोई एक्शन लेता नहीं है, कोई बात सुनता नहीं। अच्छा, हमारे कितने जन गए, कितने दिनों से परेशानी हो रही है हमारे यहाँ, चांद रात से परेशानी है। सब लोग लेके आ रहे ले बिस्लेरी का पानी, कितना गरीब इंसान कितना लाएगा पानी। अच्छा, तो आपने कंप्लेन किए थे लोगों को पानी? देखो ये उम्र है, सब है, दो बार जाके आए। देखो ये आरिफ आया था, आरिफ बोल इधर आ, आरिफ आया था, चांद रात को गए थे। क्या नाम है भाई आपका? आरिफ मेमन। अच्छा भाई, क्या हुआ यहाँ पर? भाई असल में मसला क्या हुआ, चांद रात के दिन ज्यादा गंदा पानी आ रहा था, उसके एक दिन पहले थोड़ा लाइट था लेकिन उसके बाद से ना एकदम प्रेशर में गंदा आने लग गया। अब 4-5 दिन से तो तकरीबन एकदम सबको लूज मोशन, वॉमिटिंग, ऐसा सब मसला होने लग गया। अच्छा, हम लोग गए थे वहाँ पे पानी की लाइन में, पानी विभाग में कंप्लेंट दिए 2 मरतबा। चांद रात को भी ए भाई भी दिए थे कंप्लेंट, आप थे ना भाई वहाँ पे साथ में, ए भाई भी थे। अभी यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे लाइन 3 दिन पहले बंद आया और जुम्मा के दिन भी आके पानी का सैंपल लेके गया। उसको पूछे भाई क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या है कुछ नहीं, लेके जाते आते चेक करते, उसके बाद कोई आता नहीं है पूछने के लिए। अच्छा, मसला ऐसा है भाई कि जो भी है सोल्यूशन कहीं ना कहीं डील दे रहे हैं लोग। डील तो भाई वो थे, इसके पहले भी 2 मरतबा आकर के बंदा देख करके गया, उसके पहले भी किसी ने कुछ रिप्लाई नहीं आया। जुम्मा के दिन भी आए, नमाज पढ़ के हम लोग निकले तो पानी का सैंपल लेके गए, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो स्थानीय नगर सेवक के पास गए थे जो माजी नगर सेवक है। अभी भाई सुबह में मोती भाई को, तो मोतीराम भाई को फोन किए तो भाई 2 मिनट में आए फटाक से। फिर सलीम भाई भी आए, आज ही पता चला सुबह में मोतीराम भाई को, तो भाई आए यहाँ पे और फटाफट भाई ने यहाँ पे खुदवाया हुआ काम जो छोड़ के गए थे वो भी कंटिन्यू किए और वहाँ पे आगे भी खुदवाए पूरे गटर के पास का हिस्सा। और फिर भाई बाकी अधिकारी लोग को भी बुलाए। अगर आपकी पानी की समस्या हल नहीं हुई तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? ये अगला कदम तो भाई सब मिलके जो मशवरा करेंगे उसके ऊपर डिपेंड है। अच्छा, कदम तो उठाना पड़ेगा क्योंकि कैसा है भाई, बीमारी का मसला है सबसे बड़ा। अब पानी कितना गंदा है, सब कितने बीमार, पानी देखो भाई कितना गंदा है। अच्छा, वीडियो तो है, आपको वीडियो भी बताया और पार्ट में जो लाइव पानी निकल रहा था पानी की लाइन में से वो भी पानी दिखा है मोतीराम भाई को, तो मोतीराम भाई बताया वो पानी में बाल है भाई, बाल है, गंदगी है, कचरा है, बहुत मसला है। मोतीराम भाई, बॉम्बे कॉलोनी का जो बड़ा बाजार है यहाँ पे कुछ पानी की तकलीफें हो रही थी, आपको आज ही बताया गया ऐसा इन्होंने बताया, तो क्या पूरा मामला? ईद से मेरे को मालूम भी नहीं था, मेरे को फ़ोन भी नहीं किए थे, आज इनका अचानक फ़ोन आया कि बोला 8 दिन से तकलीफ था। मैं इनको बोला कि मेरे को पहला तो बोलना चाहिए था, फिर बोला हम लोग ने खाली हम लोग दो ही कम से कम कितनी बार गए आप लोग खाला? 2 से 3 बार। हाँ, 2 से 3 बार इन लोग गए, बोले हाँ आते आते करते। तो इनको मैं दिलाया कि मैं बोला कम से कम एटलीस्ट मेरे को तो बताओ
पापी इनने फोन किया, मैं बोला 2 मिनट में मैं पहुँचता हूँ। मैं आया फटाफट देखा, मैं बोला मैं फटाफट उनको अधिकारी को इनको सबको बुलाया। अभी अधिकारी भी आए, उनको बोला मेरे को ये 8 दिन से हमारे बीमार बच्चे लोग बीमार गिर रहे, आपको एक वीडियो भी भेजा हो गटर का पानी का, मतलब पीने का पानी को देखो कैसा गंदा पानी आ रहा। तो अभी एक्शन मेरा इतना है कि फास्ट से फास्ट काम हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए। और जो ये बीमार पड़ रहे हैं लोग, ऐसा कोई बड़ा हादसा हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? पानी विभाग की अरे बीमार गिरे, एक्शन नहीं लिया अभी तक, बीमार गिरे आपको वीडियो दिया, वीडियो दिया, वीडियो देख सकते हैं, आपको खुद को महसूस होगा कि वीडियो में देख सकते हैं कि बीमार गिरे कि नहीं गिरे, गिरे मगर आपने एक्शन नहीं लिया क्योंकि आप क्या बोलते हैं। आपने जो वीडियो दिया वो पानी का वीडियो है मुझे, तो उसमें वीडियो में पानी देखो जो इतना गंदा पानी, तो बीमार गिरे ही ना ऑलरेडी 8 दिन में बोले तो बीमार गिरे। अच्छा, पर अपन क्या बोलते हैं चलो प्यार से होता रहेगा तो प्यार से कर। 8 दिन से तकलीफ हो रही है मतलब ये पानी को, तो अभी आज मालूम पड़ा आपको, आज ही मालूम पड़ा। सलीम भाई आप भी यहीं के रहवासी हो, यहाँ पे पानी की परेशानी हो रही, आप भी इन लोगों के साथ जो स्थानीय लोग हैं इन लोगों के साथ भागम दौड़ी कर रहे हो, तो क्या पूरा मामला? आपने अधिकारी से भी बात की है तो क्या आश्वासन दिया आप लोगों? 6 दिन से इन लोग के वर्कर जो कंटिन्यू आ रहे हैं और जा रहे हैं, और उन लोगों ने एक मसला है, एक बिल्डिंग का मसला नहीं है, 20 से 22 बिल्डिंग का मसला है ये। तो यानी मेरा बोलने का मतलब है इतना ये लोग क्यों केयरलेस पने कर रहे हैं, क्योंकि एक फैमिली का तो मसला है ही नहीं है, 20 से 25 और कंटिन्यू हमने लास्ट जो ये पाइपलाइन का चेहरा जो उधर तक पहुँचा ना, इन लोगों ने वो भी बोले लाइन वॉश करके देखते, इन लोगों ने 2 दिन आए कंटिन्यू लाइन वॉश किया, फिर भी कोई लोगों ने एक्शन इतना जो जैसा एक्शन लेना चाहिए अभी इस तरीके से एक्शन नहीं आनी। अभी इनके जो बड़े बड़े अधिकारी है उनको बोला गया तो बोले हमें तो पता भी नहीं, तो देखो मैं ये बोलता हूँ कैसे पता नहीं, इनके वर्कर तो यहाँ पे आके काम कर रहे थे, विदाउट परमिशन के तो वो जाएंगे ही नहीं। हाँ। उनके परमिशन के हिसाब से वो आ रहे थे, तो तुम अगर इनको छोटों को नहीं समझ रहा था अपने बड़े अधिकारी को बोलने का इनका राइट था, ये जगह पे लाइन खोद रहे वो जगह पे लाइन कर रहे, पर इन लोग इन्हें लाइन का फॉल्ट अब तक नहीं पकड़ पाए। और मेरा ये कहना है नहीं, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि वर्कर जो है इन्होंने अधिकारी को कहा तो अधिकारी ने उनको उल्टा जवाब दिया कि तू इंजीनियर है या मैं इंजीनियर हूँ। अब ये ऐसा लोग बोले ऐसा, हाँ। इन लोगों के सामने बोला जब मैं अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, कल ही बोल के गए। मेरा ये बोलना है कि जल्द से जल्द अगर ये लाइन का कुछ सॉल्व नहीं होता है कि जल्द से जल्द हमारी ऊपर से न्यू लाइन जितने फुट में प्रॉब्लम बता रही है फटाफट ऊपर से ऊपर जितनी बिल्डिंग है परेशानी हो रही है, 20 से 25 बिल्डिंग है, ज्यादा भी है, ज्यादा है। देखो ये मार्केट से लेकर पूरा मूसा कासम सुल्तान चाल मुंबई कॉलोनी सगुफ्ता मंजिल वसीम बिल्डिंग तक कोई कम नहीं हुआ, इनके बीच में दरमियान में 30 से 35-25 बिल्डिंग के ड्यूरेशन में पानी की लाइन है, और उन लोगों में सभी को गंदा पानी आ रहा है, सभी को कंटिन्यू फोन आ रहा है। और मोतीराम भाई को कैसा कि अभी हम लोगों ने बोले कि अगर 2 दिन से अगर पहला बोल देते तो शायद ही इतना फास्ट एक्शन होता, क्योंकि कॉर्पोरेशन में कैसा है नहीं, आप लोगों ने बोले कि हमारा ये मामला हल हो जाए इसलिए बोले नहीं, नहीं, नहीं नॉर्मल तरीके से हम लोग हैं, क्योंकि हमारे बोलने से तो कोई आना भी राजी नहीं था ना। अब जब मोतीराम भाई आए सुबह सुबह मॉर्निंग में लोगों ने कुछ कॉन्टेक्ट किया, वो आए फटाफट, बड़े अधिकारी लोग भी अवेलेबल हुए और ये चीज़ को लोगों ने एक्शन फटाफट लिया। अब देखो इसमें एक्शन चल रहा है, हो जाए सॉल्व तो बहुत बेहतर है, क्योंकि पूरी बम्बई कॉलोनी पे आसी से नहीं होगा तो अगला कदम वो अधिकारी लोग से हमारा ये सवाल है कि जल्द से जल्द तुम कैसा भी सॉल्व निकालो अपनी या न्यू लाइन कुछ, उसमें जो लाइन तुमको अगर फॉल्ट नहीं मिल पा रही है तो तुम नवी से नवी लाइन डालकर हम लोगों को इस चीज़ से मुक्ति दिलाओ पानी के लिए।